हम गटर के लोग हैं तो हमें उठाइए। प्रधानमंत्री के बयान पर ओवैसी का पलटवार। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सदन को संबोधित करते हुए पुरानी बात का जिक्र किया था, उसी के ऊपर अब पलटवार किया है और ओवैसी ने कहा है कि अगर हम गटर के लोग हैं तो हमें उठाइए। ओवैसी का पलटवार प्रधानमंत्री के बयान के ऊपर। हम गटर के लोग हैं तो हमें उठाइए, प्रधानमंत्री के बयान पर ओवैसी का ये पलटवार सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर हम गटर के लोग हैं तो हमें ऊपर उठाइए। शाबानो याद है, अखलाक याद नहीं है, ये बात भी ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा, ये बात याद दिलाई। और देखिए ट्रिपल तलाक मामले के ऊपर कल जब चर्चा चल रही थी उसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था, अब उसके जवाब में ओवैसी ने कहा क्या है वो भी आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री को शाबानो याद है, तबरेज अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आते उनको, याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, दीजिए ना मुसलमानों को बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए, चलिए निकालिए हमको, उठाइए ऊपर। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया के माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म करना चाहते, हा? आपके पास एक मुस्लिम एमपी जीत के नहीं आता, आपके पास 300 में से कौन रख रहा है पीछे को नीचे, आप रख रहे हैं। इस पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी जीत कर आए, 300 में से आपके पास है ही नहीं। तो ये जो है ना, ये इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी बोलने में और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, इनकी आइडियोलॉजी में, इनकी बोलने में और करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और यकीन है नरसिम्हा राव रिस्पॉन्सिबल है बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के लिए, वो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी उसको बचा नहीं पाए। अब एक और प्रधानमंत्री हमारे पास मिस्टर मोदी के रूप में है, वो अपनी आइडियोलॉजी पर काम करना चाहते हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो ओवैसी का पूरा बयान आपने सुना, मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रजत एक बात बताएं, प्रधानमंत्री ने तो कहा नहीं था कि गटर के लोग हैं, ये जिस तरह से जिस अंदाज में पेश किया गया है ओवैसी की तरफ से कि अगर हम गटर के लोग हैं तो हमें ऊपर उठाएं, प्रधानमंत्री ने तो आरिफ मोहम्मद खान की जो बात थी वो याद दिलाई थी और उस वक्त क्या हुआ था ये बताया था। देखिए ओवैसी हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं अपने बयानों के चलते, कई बार ऐसे बयान हो चुके हैं जो बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, तो कल एक लंबा चौड़ा भाषण प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के ऊपर जवाब देते हुए बोला था लीडर ऑफ हाउस के हैसियत से, और आज ओवैसी ने उस पर रिएक्ट किया और बोला है कि आपको शाबानो याद है लेकिन अखलाक नहीं याद है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ओवैसी हमेशा से ही प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी का जो विरोध करते आए हैं, जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते आए हैं, आज उसने एड ऑन किया है और बोला है कि भाई आप रिजर्वेशन दीजिए, उनकी बात से वो सहमत नहीं है, कहे कि आप कुछ शाबानो याद रहता है लेकिन अखलाक नहीं याद रहता है। तो मुझे लगता है कि ये आज पार्लियामेंट के बाहर कहा है और हंगामा होना निश्चित है लोकसभा के अंदर ओवैसी के बयान को लेकर। दो चीज मैं यहाँ पर और समझना चाहूंगी रजत, पहला अखलाक का जो जिक्र किया गया है मॉब लिंचिंग को लेकर के पिछले काफी वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है, क्या ये उसका जवाब था? और दूसरी बात ये कि जो कहा था कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके जवाब में ओवैसी ने कांग्रेस के लिए तो कुछ नहीं कहा लेकिन प्रश्न प्रधानमंत्री से जरूर दाग दिए। बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम जानकारी के लिए। तो ओवैसी ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनाया और बड़ी खबर इस वक्त की एक और आ रही है। देखिए सबसे बड़ी खबर है पटना से, जहां एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत से भाग